दर्शकों नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। म्यूचुअल फंडों ने विलय वाले बैंकों में बढ़ाया है निवेश। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी बढ़ाने और उनके डूबे कर्ज में कमी लाने पर फोकस बढ़ाया है। यही बात म्यूचुअल फंडों को पसंद आई है। ये वजह है कि उन्होंने इन बैंकों में अपना निवेश बढ़ाया है। विदेश निवेशकों ने अगस्त में भारतीय बाजार से निकाले 5,920 करोड़ रुपए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त में भारतीय पूंजी बाजार में 5,920 करोड़ रुपए की निकासी की। सरकार की ओर से एफपीआई पर लगाए गए बढ़े हुए सरचार्ज को पिछले सप्ताह वापस लेने की घोषणा के बाद भी विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से पैसा निकालना जारी रखा। बेवजह बिजली काटी तो ग्राहक को हर्जाना देगी कंपनी, पॉलिसी तैयार। आपके लिए अच्छी खबर है, बेवजह बिजली काटने पर कंपनियों को हर्जाना देना पड़ सकता है। यह रकम ग्राहक के खाते में सीधे डाली जाएगी। दरअसल सरकार निरंतर गुणवत्तापूर्ण बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जल्द एक नई नीति को मंजूर कर सकती है। इसमें आपूर्ति में गड़बड़ी होने पर ग्राहकों को वितरण कंपनी से हर्जाना दिलाने का प्रस्ताव है। इन 5 फंड मैनेजरों ने 5 साल में निवेशकों को किया मालामाल। भारत की अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ रही है और कंपनियों की कमाई घट रही है। हालांकि फंड मैनेजरों को मुश्किल हालत खत्म होने की उम्मीद दिख रही है। मीरा एसेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लीलेश सुराना ने कहा, हमारा मानना है कि अगले 2 साल में कंपनियों की कमाई में सुधार होगा। ईटी और मॉर्निंगस्टार ने इस साल निवेश सुराना को मिड कैप और मल्टी कैप श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ फंड मैनेजर चुना है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।